पेंशन का इम्पैक्ट आने वाले समय में जनरेशन तक कैसे पड़ता है, इसको हमको समझ में आता होगा। सवा अरब की जनसंख्या, 2,60,00,000 से ज्यादा जिस देश में माताएं गर्भवती होती हैं पर प्रति वर्ष, और 2,60,00,000 के आसपास बच्चे पैदा होते हैं, 50,00,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो आप वॉल्यूम भी समझ सकते हैं और उनको क्वालिटेटिव सर्विस देने के लिए कितनी गहराई से सारी चीजों को समझना पड़ता होगा, इसकी भी आप बारीकियों को समझते हैं। और लीडर के विजन से कितना अंतर आता है, इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक में हम सबको कहा, और मन की बात में बात उन्होंने कहा कि इसमें जनता का पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे खुशी है कि हम डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर मंत्रालय ने बहुत गहराई से मंत्रणा की, और बहुत गहराई से मंत्रणा करने के बाद आई प्लेज फॉर 9 प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान इस कार्यक्रम को लिया, और इसको इसके लिए हमारे SOPs क्या होंगे, हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा, हमारे को काम करने का आधार क्या होगा, हम इंटरवेंशन किस लेवल पर कर पाएंगे, इसकी गहराई को समझने का प्रयास किया गया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। आई एम हैप्पी दैट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फॉक्सी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, सब लोगों ने आकर के इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इसका फर्क ये पड़ा कि सीधे सीधे पिछले 8-9 महीने में लगभग 1,30,00,000 माताओं का मुफ्त जांच और प्लेटफॉर्म 9 में प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने आकर के किया, और 6,30,000 हाई रिस्क पेशेंट्स वे डिटेक्टेड एंड दे वर ट्रीटेड। ये छोटी घटना नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि विजन, नीति और उस नीति का इंपैक्ट, नीति का इंपैक्ट ये पड़ा, आपने देखा होगा आज हाल प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1,700 crore के टर्शियरी हेल्थ केयर में डेडिकेट किया फॉर सफदरजंग इमरजेंसी ब्लॉक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हमारे जेरियाट्रिक केयर सेंटर, इन सब के लिए किया, लेकिन ही डिवोटेड 15 मिनट्स ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड ऑन PMSMA। इस बात से आपको समझ में आता होगा कि प्रधानमंत्री जी के दिमाग में, बुद्धि में और विचार में कितना हाई प्रायोरिटी है मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ वेलफेयर, इस बात को हमको समझना है। और इसीलिए हम सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं नीतियों के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और आपसे बार बार मैं कहता हूं, हर काम की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है, और हमारे भी काम की स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। हमारी स्ट्रेंथ यह है कि हम जो काम उठाते हैं वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम बन जाता है, और दुनिया उसको देख करके ताजुब करती है कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर प्रोग्राम, वी कांट इमेजिन। और हमारी वीकनेस है कि हमारे काम की सेंस